खुश आपको को देख कर आज सब सबको जानते हैं ईश्वर का आशीष आप पर है और जैसे हम सभा में आगे जाते हैं हमारी यही है की पवित्र आत्मा हमें अगुवाई कर क्योंकि वही हमारा जो टीचा है वो हमें शिक्षा देता है हमें समझ देता है आ, तो बाइबल लाए या बाइबल खोल लें मरकूज की किताब मैसी सॉरी मार्क चैप्टर टेन से मरकु किताब अध्याय दस और वे सेवेंटीन से मैं पढ़ूंगा 17 से लेकर ट्वेंटी टू मार्क चैप्टर टेन वे सेवेंटीन से ये एक घटना है जो आ, एक धनवान नौजवान था सरदार था और वो यीशु मसीह से उसका मुलाकात होता है यूश मसीह के पास आता है और आ, कहता है कि और जब वो निकलकर मार्ग में ये यीशू मसीह अपने मार्ग में जाता है तो एक मनुष्य उस उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा हे hey उत्तम गुरु आनंद जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं यह उसके सवाल था यह नौजवान का यीशु मसीह से और यीशु ने उससे कहा तू मुझे उत्तम क्यों कहता है कोई उत्तम नहीं केवल एक अर्थात परमेश्वर तू आज्ञाओं को तो जानता है इस मसीह और नौजवान से पूछता है कि तू आज्ञाओं को तो जानता है हत्या ना करना वे विचार ना करना चोरी ना करना झूठी गवाही ना देना छल ना करना अपने पिता और अपनी माता का आदर करना उसने उससे कहा ये नौजवान यीशु मसीह से बोलता है हे hey गुरु इन सब को मैं लड़कापन से मानता हू, आया हूं यीशु ने उस पर दृष्टि द्रिश, द्रिश, करके उससे प्रेम किया और उससे कहा तुझ में एक बात की घटी है जा जो कुछ तेरे तेरा है उससे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले इस बात से चे उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वो शौक करता हुआ चला गया क्योंकि वो बहुत धनी था कि नहीं प्रार्थना कर ले पिता परमेश्वर धन्यवाद आपके वचन के लिए जो कुछ हम आपका वचन में है वो जीवित वचन है आपकी ओर से आया हमारे लिए हमें हमें अपने जीवन में लागू करने के लिए तो आज अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमें मदद कर कि आज हम समझ पाए कि आप क्या चाहते हैं हमें जानने के लिए और वही लेकर अपने जीवन में हम इस्तेमाल करेंगे धन्यवाद पिता परमेश्वर आपकी अभिषेकता और आशीष रहे ईशू मसीह के नाम से ए मैन <coughs> तो ये सिंपल घटना है यशु मसीह रास्ता में जाता है एक नौजवान जो उस समय काफ़ी नामी था यंग पर्सन रहा लेकिन बाइबल कहता है अगर लुक में पढ़ेंगे तो वो कहता है ये जो नौजवान था एक रूला था सरदार था मे बी अगुआ था आ, और आ, धनी था आ, उसके पास शौरत था नाम था उसका आ, और अधिकार था तो ये व्यक्ति नौजवान दौड़ते आया यीशु मसीह के पास और उसके सामने घुटना टेक कर और यीशु मसीह से बातचीत करता है उससे सवाल पूछता है कि कैसे मैं जो जीवन है इटर्नल लाइफ कैसे उसको इसका अधिकारी हो कैसे मैं हासिल करूँ उसको और ये जो घटना है सिंपल है इसमें खास और कुछ रिसर्च नहीं करना है पद में कि गहराई रूप से क्या इसमें सीख कहना चाहता है क्या वचन कहना चाहता है बिकॉज वो सिंपल कहानी है वही से हम काफ़ी चीज़ सीख लेते हैं हमें सिर्फ ये जो नौजवान है उसके आ, उसके मन में क्या चलता है उसको समझना है और वो लेकर ईसमसी का जो आ, जो रिस्पॉन्स था जवाब रहा उसको लेकर हम क्या सीख सकते हैं तो ये जो नौजवान है सब आ, नाम शहरत उसके पास धन दौलत है घर जायदाद जानवर आ, सब चीज़ है आप शायद सोचेगा कैसे जानते कि धनी है वो लास्ट वेस्ट में लिखा नहीं क्योंकि वो धनी था लेकिन क्या होता है जब यीशु मसीह के पास आता है घुटना टेकता है और उसको आदर के साथ यीशु मसीह को गुरु कहता है महान गुरु उत्तम गुरु और कहता है कि कैसा कैसे मैं आनंद जीवन का अधिकारी हो सकता हूँ मैं सोचता था कि इसका मन में ये जो नौजवान है उसके मन में क्या चलता है क्या उसका इरादा है क्या वो उसका उम्मीद क्या है क्या लेकर वो इस मसीह के पास है शायद um, जो जो नए क्वेश्चन है कि मैं भी इसके माइंड में है कि शायद मैं कुछ करूं कि हम आनंद जी जीवन पा पा सकूँ कुछ करना है उसके लिए um, क्योंकि वो कहता है कि क्या मैं करूँ वट डू तब यीशु मसीह उसकी ओर देखकर उसे उससे एक सवाल पूछता है कि सिर्फ कि क्यों मैं मुझे कहता हूँ कि मैं उत्तम हूँ एक ही उत्तम है परमेश्वर फिर यीशु मसीह ये व्यक्ति से पूछता है तुम अपने जो आज्ञा है जो जो टेन कमांडमेंट्स से उस समय यहूदी के लिए जो ज्यूज थे उनके लिए जो टेन कमांडमेंट्स एक एक इम्पोर्टेंट जो आगे थे क्योंकि उनको सब चीज़ फॉलो करना था नियम थे उनका तो जब यीशु मसीह से पूछता है कि क्या तुम जानते हो और कुछ कुछ छह नियम को यीशु मसीह कि आ, तुम वे न करना आ, हत्या न करना चोरी न करना दूसरों को विरोध क्या कहते चरण न करना चोरी नहीं करना डिफ्रॉड नहीं करना आ, अपने माता पिता को आदर करते हो तो जब ये लिस्ट किया छः चीज़ तो ये व्यक्ति कहता है ये तो मैं छोटा से करता हूँ आया हो ये मैं जो कुछ तो नियम या कानून है या कमांडमेंट से अगुवाए सब मैं करते आए हूँ बचपन से छोटा से जब मैं आ, सोचता हूँ इसके बारे में कि आ, ये व्यक्ति क्योंकि इसके पास सब चीज है राइट मैं भी उसके हृदय में मन में यह चलता है कि मेरे पास तो सब चीज है तो मैं जब ऐसा सवाल करता हूँ यासु मसीह से आ, मुझे शायद कोई आइडिया मिली या यीसु मसीह कुछ आ, सलूशन दे, शायद वो बोले कि नहीं तुम तो सब चीज़ राइट करता है तुम्हारा तो ऑलरेडी आनन्द जीवन तुम्हारे लिए तैयार है तुम्हें मिल जी। आ, मुझे जब मैं पढ़ता हूँ बार बार ये पद को पढ़ा तो मुझे ऐसे लगा है कि ये जो नौजवान नौ है मैं भी उसके एक एक मे भी एक तरह का जो घमंड था ईगो आकार बोले ना हिंदी में आकार ईगो एक एक बिकॉज उसके पास सब चीज़ है ए, एक एक स्टेटस है मैं uh, भी उसका एक ए, 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 एक एक तरह का जो जो सवाल यसू मसीह से पूछता है मैं भी उसके दिमाग में ऑलरेडी ये जानता है कि मैं, मैं सब चीज़ ठीक है मेरे पास सब चीज़ है मैं सब कमांडमेंट से जो आ, आ, आ गया है सब पालन करता हूँ तो मैं कोई बुरा नहीं करता हूँ। सब चीज़ ठीक है तो मैं जानता हूँ कि मैं ऑलरेडी स्वर्ग के हासिल करूँगा लेकिन मैं पूछ लेता हूँ क्योंकि वो ख्याल करना वो यीशु मसीह के पास आए और कहता है कि टीचा गुरु तो शायद वो सोचा होगा कि टीचर एक भाषण दे दी मैं uh, भी कुछ बाइबल uh, में से पुराने नियम जो uh, उनका जो uh, शास्त्र है उसमें से, उस से कुछ पढ़कर उसको बता दी uh, कभी कभी मैं जानता हूँ स्कूल में भी जब मैं स्कूल में पढ़ता एक आध जो स्टूडेंट्स लोन रहे जो स्मार्ट रहे और लोन जाने लो स्मार्ट है, और ऐसे ऐसे कड़ा कड़ा क्वेश्चन टीचर से पूछी और उन्होंने जाने हैं आंसर कौन सी है बट इस जैसे लोग खाली पूछे हैं जैसे खाली दिखाए मार सब स्टूडेंट्स लोगों के और बाकी फ्रेंड्स लोग हम जनता है नो हम टीचर से स्मार्ट है, में भी देखिए टीचर जाने के नहीं आंसर जब मैं ये पद को पढ़ता है मुझे थोड़ा तो, तो 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 उस तरह का व्यक्ति लगता है जो अपने आका जो ईगो लेकर आया अपना स्टेटस लेकर आया है कोई बात नहीं वो यीसू मसीह के सामने घुटना टेका है लेकिन उसका जो एक एक तरह का घमंड है वो लेकर आया है यशु मसीह से पूछता है मन में बोलता है हमारे पास तो सब चीज़ है मैं जानता हूँ मैं राइट ट्रैक पे हूँ सब चीज़ मैं नियम फॉलो करता हूँ मैं स्वर के हासि, हासिल करूँगा लेकिन देखिए टीचा कौन सी बताए ट्वेंटी वन में बाइबल कहता है उसको दृष्टि किया इंग्लिश में लुकिंग एट हिम एक वर्जन में में आ, आ, में सॉरी किंग हिम सिर्फ ऐसे देखा नहीं लेकिन मे बीशु मसीह उसके आँख से आँख मिलाया उसके दृष्टि की उसको उसके आँख के अंदर झांक के देखा उसके मन में क्या चलता है फिर उसके मन से उसके हृदय को दिल में देखा कि उसके दिल में उसका इरादा क्या है फिर कहता है बाइबल वैष्णो में सिर्फ में मसी उसको उसको दृष्टि नहीं किया उसके अंदर अच्छे से आ, देखा नहीं लेकिन बाइबल कहता है कि उससे प्रेम किया हम जानते हैं ईसु मसीह जहाँ जाके लोग को देखकर उनके उनके ऊपर दया दिखाया उन पर दया किया प्रेम किया और वही प्रेम वही दया इस व्यक्ति के ऊपर कहता है कि लुक टेट हिम लविम हमें भी ये काफ़ी चीज़ हम सीखते हैं कैसे हम लोग को देखते हैं जब उनसे बातचीत करते हैं तरह तरह के लोग आते हैं कैसे हम उनको देखते कैसे उन स्वीकार करते हैं कैसे हम नजर आ, देते हैं उनको कै, कैसे हम परमेश्वर का प्रेम उनको बांटते यीशु मसीह उन उसको देखा प्रेम किया और कहा कि एक चीज कमी है तेरा पास एक घटी है तो ये शायद व्यक्ति बोले हमारे पास तो सब चीज है कौन घटी के बारे में यीशु मसीह बोले कौनसी हम हासिल नहीं कर पाए कौन ची हम खरीद नहीं पाए मसीह कहता है एक घटी है जाकर जो तेरे पास है गो एंड सेल वट एवर यू हैव एंड गिव इट टू द दुआ जो कुछ तेरे पास है उसको बेच कर और कंगाल को दे दे एंड यू विल ट्रेजर इन और तेरे पास धन होगा स्वर्ग में ऐशु मसीह का मसीह अपने कहता है अपने जितने चीज है तुम्हारे पास सब बेचकर कंगाल कर देकर और तेरे पास धन होगा स्वर्ग में और मेरे पीछे हो ले कम इन इंग्लिश में कम टेक अप द क्रॉस एंड फॉलो मी मैं इसके बारे में सोचता था मेरे ख्याल से क्योंकि यीशु मसीह उसके मन को उसके पूरा हिस्ट्री जान गया उसको देखकर उसके बारे में जानता था कहाँ से आया कैसा व्यक्ति है उसके मन में क्या चलता है यीशु मसीह उससे नहीं पूछा कि कितना घर है तुम्हारे लिए कितना खेत है तुम्हारे कितना जानवर है तुम्हारे कितना आ, सोना चांदी है तुम्हारे पास कौन पद में पदवी पर है तू ये सब उसके पास था यीशु मसीह उसके अंदर देखकर और देखा कि एक चीज कमी है इसका इसमें से शारीरिक तौर से मटेरियलिस्टिक व्यू जो वस्तुएं का जो जो नजर है उस तरह से नहीं देखा उसको लेकिन उसको आत्मिक तौर से देखा कि उसके अंदर में क्या कमी था तो आप सोचेंगे बोलीस कि चल चीज सब बेच के और पैसा जो है दान कर दो तो इसका मतलब नहीं कि यीशु मसीह चाहता है कि हम सब हमारे पास कुछ नहीं रहे जितना ऐसे गरीब स्टाइल रहे और जब हम यीशु मसीह को के पीछा करना है या उसकी सेवा करना है हमारे पास कुछ नहीं रहना चाहिए घर द्वार नहीं रहना चाहिए हमें सब बेच कर उसका ये मतलब नहीं था क्योंकि जब यशू मसीह उसके अंदर झाका उसके अंदर जब जाँचा उसके हृदय को उसके मन को तो यीसु मसीह कुछ ऐसा देखा जो हम मनुष्य नहीं देख पाते शायद हम अपन आप अपने आप को अंदर अगर हम झा जा, झाँचेंगे वो हम नहीं समझ पाएंगे नहीं देख पाएंगे लेकिन यीशु मसीह प्यार से प्रेम से देखा उसको और वो चीज़ देखा और वेस्ट ट्वेंटी में कहते हैं कि ये व्यक्ति जब सुना ये बात तो उसका चेहरा में उदासी आ गया वो शोक कर दिया शोक कर कर और लौट गया क्यों क्योंकि उसके पास बहुत आ, ग्रेट पोजीशन था बहुत सी वस्तुएं चीज थे मटीरियलिस्टिकली लुक में कहता है ही वाज वेरी रिच सिर्फ धन्य था, नहीं था बहुत धन्य था मैं सोचता था कि जिसे मैं पढ़ता था जब यीशु मसीह जवाब दिया कि एक चीज तुम्हें कमी है और जाओ जितना चीज तुम्हारे पास है बेच दो और कंगाल को दे दो तो मैं सोचता हूँ कि ये जो व्यक्ति था उसका जो कान वहीं पर ऑफ हो गया उसका दिमाग वहीं ऑफ हो गया उतने में क्योंकि यीशु मसीह उसको जो 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 सवाल ये व्यक्ति लेके आया था यीशु मसीह के पास उस सवाल का जवाब देता था ईशु मसीह और दे दिया कैसे अनंत जीवन हासिल करना है ईशु मसीह सवा जो जवाब है वो दे, दे दिया हम तो पढ़ लेता है वो व्यक्ति मेरे ख्याल से जैसे की चीज बेच के दान कर दो वहाँ वो स्विच ऑफ हो गया वहां से वो नहीं सुना यीशु मसीह उसके बाद क्या बोली से मेरा ये विचार है क्यों क्योंकि ईशु मसीह कहता है तुम बेच देगा तुम्हारा धन स्वर्ग में रहेगा अब जब अब अब जब हमें कोई बताए तुम्हारा धन स्वर्ग में उसके मतलब हम स्वर्ग के हासिल कर लिया राइट जिस हमारा धन वहाँ रखा है दिट मीन्स हम जाता है हम ले लेगा स्वर्ग में उसका जवाब मिल गया कैसे मैं जो धन है उसको सॉरी कैसे मैं अनंत जीवन को के अधिकार हो सकते हो इसी मसीह से कहता है जाओ सब चीज़ बेच के कर गरीब को देकर तुम्हारा धन वहाँ रखा गया मीनिंग कि तुम्हें एंट्री मिल गया है टू सम एक्सटेंड स्वर का और कहता है कि जब सब चीज कर देना तुम्हारा धन सब रखाएंगे स्वर में तुम हमारे पीछे आना मेरा क्रूस को उठा ले और मेरे पीछे हो लो अगर इसके बारे में सोचेंगे बेसिकली यीशु मसीह से क्या कहता है कि तुम्हारा जो एक परमेश्वर है उसको तुम हटा दो और मुझे मेरे पीछे हो लो परमेश्वर जो यह हुआ परमेश्वर है उसको उठा ले तुम्हारा जो अधिकार हो जाएगा स्वर्ग में मसीह डायरेक्टली नहीं बोला कि ईशु मसीह पर मुझ पर विश्वास करो कि मैं परमेश्वर का पुत्र है और अपने पाप से क्षमा मैं मैं, मैं सोचता हूं कि क्योंकि ये एक आ, अभी के लैंग्वेज अगर हम बोलेगा विश्वासी है या मसीह विश्वासी है ऑलरेडी क्योंकि वो एक यहूदी है सब नियम के जानता है आ, मेरे ख्याल से आ, जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के आगुआ है आ, मंदिर जाता है हर समय सब चीज़ जो चीज़ कानून में लिखा है जो चीज़ नियम में है जो चीज़ आ गया है सब पालन करता है सब चीज़ ऑन द है से चाहता है रोज संडे जब खुलता है प्रार्थना करता है बाइबल पढ़ता है सब चीज नॉर्मल जैसे आप हम आप और हम करते हैं लेकिन यशु मसीह को देख कर कहता है एक चीज कमी है तुम्हें अगर अच्छे से पढ़ेगा जो नियम यीशु मसीह बताए जो छह नियम वहां लिस्ट किया वो नियम जो है मनुष्य और मनुष्य के बीच के बारे में है वे विचार नहीं करना चोरी नहीं करना दूसरों की लालची कोवेट नहीं करना आ, हत्या नहीं करना मनुष्य और मनुष्य के बीच में बाकी चार जो आज्ञा है वो है मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक ही परमेश्वर होना चाहिए किसी और के सामने दंडवाट नहीं करना कोई और नाम नहीं है लेना जो आ, सावाधी ने उसको पवित्र मानना ये मनुष्य और परमेश्वर के बीच में चार आ गया इस मसीह का जो मेन पॉइंट रहा कि जो चीज तुम्हार और परमेश्वर के बीच में बाधा लाता है ब्लॉक करता है जो चीज तुम तो परमेश्वर के ऊपर उठाकर रखा है उसको हटाकर और जो सच्चा परमेश्वर है उसको उठाना है क्रूस को उठाना है क्योंकि सहज काम है अपने आप को क्रिश्चियन बोलना राइट right? अपने आप को खाली क्रिश्चियन बोलना के चेज खुलता है दरवाजा आप आकर सभा में बैठ कर, कर वचन सुनकर एक दो गाना गाकर चल दिया और हफ्ता भर कोई नहीं जानेगा आप क्रिश्चियन है कि नहीं आप जानते आप क्रिश्चियन है शायद आपके करीब जानते हैं आप क्रिश्चन चित जाते हैं। फिर दूसरा संडे फिर वही रूटीन मेरे ख्याल से ये नौजवान उसका यही सिस्टम रहा लेकिन ईशू मसीह का जो इच्छा था और बढ़ के था उसके लिए परमेश्वर और मनुष्य का रिश्ता करीब रहना कायम रखना मजबूत रखना वो और इम्पोर्टेंट रहा देन तुम्हारे पास पूरा दुनिया है यशु मसीह कहा तू पूरा दुनिया जीत लो अपने जो प्राण है खो दो कोई फायदा नहीं और वही चीज यशु मसीह बताता कि तुम्हारे लिए जो वस्तुएं हैं जो मटेरियल चीजें धन दौलत तुम्हारा पोजीशन टाइटल स्टेटस वो इम्पोर्टेंट है अगर उसको सामने हटा देगा तब क्या आपका और ये व्यक्ति वहीं पर स्विच ऑफ हो गया जहाँ ऐसा मसीह कहा कि ये बेच दो और कंगाल को दे दो वहीं उसका शायद बोले सनक गए ना हम बोले दिमाग घूम गए यार उसके क्योंकि बाइबल कहता है उसका चेहरा उतर गया उसका चेहरा में उदासी छा गया वो कितना प्रेम करता था अपन चीजों से अगर ये कोविड आपको नहीं सिखाया तो आप जान सकते कि एक ही पल में सब चीज खो देते हैं। नौकरी पैसा धन दौर, घर द्वार जान अपना ऐसे चल देता है मेरा पड़ोसी बहुत धनी, कोविड से नहीं बच पाया जवान पैसा सब इसमें मसीह कहता है कि सब चीज हटा दे और मेरे पीछे क्योंकि आपका जो धन है सब स्वर में ऐसा नहीं कि इसमें से चाहता हूँ गरीब रो और, और कुछ नहीं है हमारे पास वो सब संभालेगा वो सब हमारा उसका कहना मतलब है कि हमारे जो प्रायोरिटी है हमारे जो जो दिल हमारा कहाँ लगा है अगर एक रोज़ नौकरी नहीं है नहीं रही परमेश्वर में दूसरी नौकरी दी अगर भोजन नहीं है नहीं रही परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं जैसे जब हमारे पास सब चीज़ है चाहे कुछ भी नहीं है लेकिन परमेश्वर का लिए बहुत है काफी है ऐसा यशु मसीह का जो उसका जो सोच है उसके तरफ से ऐसा विचार आता है लेकिन ये व्यक्ति जैसे मैंने कहा वो शायद सोचता था जब मैं ये सवाल ईशु मसीह से पूछूंगा तो मुझे यशू मसीह बोले ओ तुम सब चीज़ सेट है तुम चेत जाता है तुम अपने बाइबल पढ़ता है अपना जो कोई के दूसरे लोग को लिए तुम कभी नीचा नहीं सोचता है तुम दूसरों को दुख नहीं देता है कभी बुरा नहीं सोचा है तुम बुरा काम नहीं करता है तुम सेट है बट हम जानते हैं कि कानून तो कानून है का, कर्म कर्म लेकिन स्वर्ग हासिल करने के लिए आपको यीशु मसीह की ज़रूरी है मेरा जो टाइटल एक्चुअली था जीवन से आमना सामना आया फेस टू फेस 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 टू फेस विद लाइफ ख्याल है जब ये व्यक्ति आया मसीह के पास और कहता है कि कैसे मैं आनंद जीवन का अधिकारी हो सकता वो पहचान नहीं पाया कि जो व्यक्ति कहा कि मैं जीवन हूँ मैं सच्चाई हूं मैं मार्ग हूँ वही से सवाल करता है और पूछता है कैसे में आनंद जीवन हासिल कर कर सकता हूँ ऐसा है कि आपका जो फेवरेट एक एक्टा है शाहरुख खान या कोई भी है सामने खड़ा है लेकिन आप बोलते हैं नहीं मैं यूट्यूब में उसको देखता हूँ उसके या मूवी या वीडियो में से और वो खड़ा है और लोग आते हैं उससे मिलते हैं आप बोलते हैं नहीं मैं यहाँ उसका वीडियो क्लिप्स देखता ये व्यक्ति सामने खड़ा है यीशु मसीह का वो पहचान नहीं पाया कि वही है जीवन ऐसा एक व्यक्ति और था यही जब यीशु मसीह पकड़ा गया बंदगी में था पिलोत के सामने खड़ा हुआ पायलट पायलट उससे बात करता था यीशु मसीह से और मसीह सच्चाई के बारे में बोला अब पिलातुस का सवाल था कि सच्चाई क्या है वट इज़ ट्रूथ लेकिन उसका एक गलती था वो सवाल पूछ कर और घूम कर चल गया जवाब को नहीं वेट करा क्योंकि वो जो सच्चाई है सामने खड़ा था वही से सवाल किया और वही गलती ये व्यक्ति करता है जो जीवन है यीशु मसीह ने कहा मैं वो नहीं कहा कि मैं जानता हूँ कैसे आनंद जीवन मिले यीशु मसीह ने कहा वैसे नहीं कहा वो, वो कहता है कि मैं ही जीवन हूँ और ये नौजवान जीवन के सामने खड़ा है फेस टू फेस आँख से आँख मिलाकर नहीं पहचान पाया इवन वो नहीं पहचान पाया कि वो यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है क्योंकि उसको जब पुकारा उसने कहा गुरु ये धोखा ये व्यक्ति किया धोखा हुआ उसके सामने साथ वो गलती किया वो मिस्टेक किया क्योंकि वो पहचान नहीं पाया यशु मसीह को ने इवन दो सब आज्ञा को पालन करता था सब चीज जानता था बाइबल में आ, मंदिर जाता था चेत जाता था सब चीज करता था सच्चा परमेश्वर को सच्चा यीशु मसीह को पहचान नहीं पाया और वो वहाँ से उदास होकर शोक करते हुए चला गया इसके बाद हम नहीं जानते वो व्यक्ति के को क्या हुआ लेकिन अगर आप देखेंगे उसके पास जो कुछ रहा आनंद जीवन हासिल के लिए करने के लिए अगर वो वही करता ऑप्शंस उसके लिए जो दुनिया की चीज़ है वो और फायदा लगा उसके लिए और मायने रखा और वैल्यू रहा अनंत काल ने स्वर्ग के राज ने और वो वहां से चला गया वो अपने जो पिछले जीवन है अपने जीवन को छोड़ना नहीं चाहता था उसका जो आराम था धन संपत्ति सब वो नहीं छोड़ना चाहता था क्योंकि इस सच्चा मसीह जीवन व्यतीत करना सिर्फ यीशु मसीह के पीछा करना नहीं है उसका क्रूस उठाना है वहीं पर दिक्कत होता है इजी है जैसे मैंने कहा इजी है चेचाओ चल दो सभा में बैठ के चल दो और ऐसा मजार्टी मेंबर्स हमारे कहीं भी चर्च में मजॉरिटी पीपल संडेज को आता है सेविश में भाग होकर चल देता है लेकिन यीशु मसीह कहता है टेक अप द क्रॉस क्योंकि वो क्रूस उठाना है उसके मतलब पीड़ा सहना है उसके मतलब आ, लोग आपको शायद तिरस्कार करेंगे प्रोसिक्यूट करेंगे शायद कुछ ना कुछ बोलेगा शायद आपको आ, पसीना बहाना है शायद मेहनत करना है शायद आपको आ, अपना समय निकालना है शायद आपको आ, अपने धन पैसा देना है निकालना है त्याग करना है आपको पिराएगा दर्द होगा क्योंकि वो क्रूस उठाना आसान काम नहीं है यीशु मसीह ने कहा जो व्यक्ति अपना सब कुछ छोड़ नहीं सकता है माता पिता भाई बहन अपना घर द्वार अपना धन दौलत छोड़कर मेरे पीछे आ नहीं सकता वो मेरा सच्चा चेला नहीं हो सकता है यीशु मसीह का वचन है लेकिन अफसोस है कई लोग हैप्पी है संतोष है सेटिस्फाइड है कि हम क्रिश्चियन है बस उससे आगे उनके और कुछ इरादा नहीं है लेकिन चाहे जैसे भी है यीशु मसीह उसके अंदर को देखा प्रेम से देखा उस पर दया किया और उसको आंसा भी दिया उसका जवाब जो सवाल और ये सवाल कई लोग शायद आप भी बैठे हो गए यहाँ पर आप शायद चेज बहुत दिन से आते हैं या अगर आप ऑनलाइन सुनते हैं अगर फर्स्ट टाइम यीशु मसीह के बारे में सुनते हैं ये सवाल हर एक के मन में रहता है कि कैसे मैं परमेश्वर के राज है जो अनंत काल का जीवन कैसे हासिल कर सकते हो और यीशु मसीह कहता है कि और कोई परमेश्वर नहीं होना चाहिए एक ही परमेश्वर है उसके जगह और कोई के और कोई चीज ले नहीं सकता है क्योंकि अगर वो होता है तब आप जो परमेश्वर के राज्य जो स्वर्ग के राज्य आप खो सकते हैं मिस कर सकते हैं क्यों क्योंकि परमेश्वर और आपके रिश्ता में कुछ और इंपॉर्टेंट आ जाता है ये व्यक्ति अपना जो कुछ उसके पास था वो छोड़ना नहीं चाहता था यही पद में वही रास्ता में यीशु मसीह जाता है अगर आप पूरा एंड ले पड़ेगा एक और व्यक्ति यीशु मसीह से मुलाकात उसका मुलाकात होता है जब उसको आवाज मिला कि यीशु मसीह आता है उसने जोर से चिल्लाया ए दाऊद के संतान मुझ पर रहम कर मुझ पर दया कर वो पहचान लिया दाऊद का संतान परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह आया है उसने कहा ये दाऊद के संतान मुझ पर रहम कर वो देख नहीं सकता था वो पहचान लिया कि वो सच्चा यीशु मसीह आता है और यीशु मसीह ने उसको छुआ और जैसे उस यीशु मसीह उसको बुलाया कि आओ मेरे पास वो जो अपना जो वस्त्र पहना था क्योंकि वो अंधा था वो भिखारी था वो जो वस्त्र ऊपर रखा था वो भाग और गया यासु मसीह के पास तुरंत और चंगाई को पाया वो अपना स्थिति में से निकला चाहता था अपना जो मे बी बिकॉज हम जानते हैं यहाँ भी जो बेगस है मे बी हंड्रेड हंड्रेड फिफ्टी टू हंड्रेड डॉलर डे लोग कमाए मैं एक बेगस से बात किया हूँ, और मैं जानता हूँ यहाँ के लिए उनके हालात के लिए काफ़ी पैसा है हम नहीं शायद कोई कोई उतना कमाता होगा और उसके पास ऑल दो अंधा था लेकिन कमाई था बट वो उस स्थिति में से हटना चाहता था वो पहचाना कि इसमें सी सच्चा परमेश्वर है उसको इस हालात से निकाल सकता है उसके लिए चीज़ मटीरियलिस्टिक चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं था और जब यीशु मसीह के पास आया यीशु इस मसीह इसको छुआ और चंगाई दिया और वो यीशु के पीछा हो लिया दो व्यक्ति एक ही पद एक ही भाग में चपटा में एक यीशु मसीह से नजर हटाकर लौट गया उदास होकर क्योंकि वो अपना जो कुछ के पास से छोड़ना नहीं चाहता था और एक और एक व्यक्ति अपना स्थिति में से हटना चाहता था वो छोड़कर इस मसीह से आशीष और चंगाई को पाया हमारे हृदय में जो इच्छा हमारे मन में हमारे जो इरादा है हमारी उम्मीद क्या है आप बाइबल में देखेंगे हर एक व्यक्ति जो यीशु मसीह के सामना किया आमना सामना किया फेस टू फेस आया उससे उस बातचीत किया या तो वो उदास होकर लौटा ये व्यक्ति के तरह या कुछ असर नहीं हुआ उनका या वो आशीष प्राप्त करके गया चंगाई प्राप्त करके गया क्षमा प्राप्त करके गया नया जीवन प्राप्त करके गया मेरा सवाल आपसे आप जब आते हैं कलिशिया में आप जब यीशु मसीह के सामने आते हैं उसके उपस्थिति में आते हैं आप कैसे लौटते हैं क्या आप भी उदास होकर लौटते हैं? अरे काश इसके मुंह देख लिया गरम में कभी दूर दूर बैठे पड़े मास्क खजवाए ऐसे वैसे उदास कतना नहीं उदास होकर लौटते कोई कुछ बोल दिस पादरी के प्रीचिंग नहीं अच्छा लगा कोई कोई गुस्सा में लौटते कोई कोई आशीष पा कर लौटते कोई कोई जैसे आया रहा वैसे लौट गया कुछ असर नहीं पड़ा जो यहाँ अनफॉर्चुनेटली ऐसे जनान की टाइम वो करके गया ऐसा होता है आपका तमन्ना जो हृदय में आप क्या क्या इरादा लेकर आए हैं यीशु मसीह के पास क्या इरादा लेकर इस कलीसिया में आ, इस सभा में भाग ले क्या इरादा लेकर आप इस वचन को सुनते हैं चाहे ऑनलाइन चाहे जैसे भी लेकिन यीशु मसीह आपको देखता है आँख में आँख डालकर आपसे प्रेम करता है आप चाहे जैसे भी हालात है जहाज से अभी आए जो कुछ भी आपका इरादा है जो कुछ मन में लेकर आए लेकिन वहां पर आपका निर्णय बनाना है कि आज मैं कैसे लौटूंगा मेरे पास दो कुत्ता है घर हमारे पास घर गर में घरे दो कुत्ता है और फेंस में एक जगह बना लिए बाहर निकले के लिए और ऐसा है कि एवरी टाइम उसको बंद भी कर देते किसी ना किसी तरह से जगह बनाकर फिर निकल जाते बट जब भी निकलते फॉर सम रीजन वही रास्ता लौट कर नहीं आएंगे भितर बोलो रात भर वो आकर हमारे मेन गेट है वहाँ पर बैठ जाएंगे रात भर वहीं रहेंगे बटलो जो हॉल से निकली नहीं रहा वो हॉल से लौट कर नहीं आएंगे बैठ के जब हम गेट खोले तब बोलो भितर आई है। का है, नहीं जानता लेकिन एक लेसन है हमारे लिए जब हम यशू मसीह के पास आते हैं कुछ ना कुछ बदलाव लेकर में जाना है लौटना है दूसरा रास्ता से लौटना है सही हम अग, अगर हम वही तरह जैसे आया था वैसे लौट गया ईसू मसीह कहता है कुछ कमी है तुम्हारे अंदर में कुछ घटी है उस घटी को आप उसके बारे में आप सोचा नहीं विचारा नहीं कि ईश्व मसीह में मदद कर वो घटी पूरा करे क्या हमारे रिश्ता है परमेश्वर से उस पर कुछ गड़बड़ी है कुछ बाधा है कोई चीज और जो हमारे रिश्ता को मैं तनाव लाता है घिंचाव ले कर आता है आ, एक एक, एक आ, मीरा है, शीशा में महिला लगा है उसमें साफ साफ से दिखाता नहीं वो क्या है अगर ये व्यक्ति समय लेकर खड़ा है कर इस मसीह से बोलता कि हमें मदद कर मैं चाहता हूँ ये जो आप करना चाहते हैं, मुझे मदद कर और समझा तो वो आशीष पाकर जाता ये आप जानते थे वैसे शुरू में आकर इस मसीह के सामने घुटना टेका वो सिर्फ दिखावा था घुटना फिजिकली टेका लेकिन उसका जो मन उसका जो दिल वो नहीं घुटना टेका वो फिर भी कठोर था वही तरह वो लौट गया आज इस वचन पर हम विचार करें सोचे कि आज आप ये कलेशिया में आए आज ये वचन को सुने आज प्रशंसा किए परमेश्वर के महिमा के, उसका उपस्थिति है आज अगर आप ऑनलाइन दिखते सुनते आपका शायद सवाल यही होगा मैं कैसा अधिकार हो सकते है अनंत जीवन का या आपके पास और कुछ सवाल है जीवन में मन में लेकिन आपको अच्छा बनाना है आपको डिटेमिन होना है कि आज में जो कुछ ऐसा है हमारे जीवन में बाधा लाता है परमेश्वर के हमारे रिश्ता से उसको आज हम हटा कर जाएंगे यहीं छोड़ कर जाएंगे मसीह के क्रूस हम ले लें क्योंकि वो क्रूस उठाना इजी काम नहीं है आपको पास हिम्मत होना चाहिए वो स्टेप लेने का ऐसे 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 सिर्फ नहीं हो जाता है वो क्रूस उठाना आ, आसान काम नहीं इसके बारे में सोचे कि नहीं हम खड़े जाए और जैसे हम इस, इस पर ध्यान देते हैं इस वचन को पवित्र तो आत्मा से प्रार्थना कर आपका यही प्रार्थना होना चाहिए कि आज मैं बदल कर लौटना चाहता हूँ एक एक निर्णय बना कर लौटना चाहता हो एक वाचा में बांध के लौटना चाहता हो सिर्फ ऐसा खाली हाथ नहीं में जाना चाहता हूं आपके पास हिम्मत होना चाहिए ये स्टेप लेने जिसे पादरी आता है अपने आग बंद कर ले इस पर विचारे कई लोग मसीह के सामने आया इस। जब यशु मसीह दुनिया पे था पत्रस जो चेले थे यशु मसीह जब उनको पुकारा हुए तुरंत अपने जो नौकरी था मछुए थे जाल सब भाग कर और यीशु मसीह के पीछे हो गए त्यागे वे। कुछ ना कुछ त्यागे और टेस्टमेंट में जो साया एक वाचा बांधा वो क्या किया पुराने जीवन का जितना चीज़ रहा उसका जो पुराना जो पिता और दादा जो वेदी बनाए थे ओझाई करते थे जो मूर्ति पूजा करते थे जितने परमेश्वर के जितने चीज़ विरोध था वो लेकर उसको कुचल कर जरा कर राख कर कर मिट्टी में मिला कर ख़त्म कर दिया वो वो चुनाव लिया कि जो पुराना चीज है उसको मैं उसके नाम निशान नहीं हो चाहते और जब परमेश्वर से वाचा बांधते नया कदम बढ़ाते आँच से लौट कर पीछे नहीं दिखूँ चाहे आप कई साल से विश्वासी है चाहे आप इस मसीह को कभी नहीं अपनाया आपको यह चुनाव लेना है